The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. आज हमारा टॉपिक जो है वो है आपकी नींद पे. सो बातचीत करेंगे कि नींद की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि आपको दिक्कत पड़ सकती है नींद से, और नींद होती क्या है, अगर नींद ना आए तो उसका कारण क्या है, व्हाट आर द कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट ऑफ देम, हाउ टू मैनेज देम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है. सो नींद क्या है, स्लीप क्यों है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बल्कि है तो बहुत सिंपल, जाके सो जाओ, लेकिन उस समय हो रही जो चीजें हैं वो बहुत सारी हैं. आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, आपका माइंड रिलैक्स कर रहा है, हजारों चीजें आपकी बॉडी के अंदर हो रही है एट दैट सेम वेरी मोमेंट, विच मोस्ट पीपल आर नॉट इवन अवेयर अबाउट. सो यू नीड टू नो, एवरीबॉडी नीड्स टू नो, हो क्या रहा है आपके नींद में, हो क्या रहा है, क्या है. आप तो अनकॉन्शियस है मगर आपका ब्रेन, आपकी बॉडी स्टिल फंक्शनिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग. वहां पर वो काम कर रहे हैं जो आपके हेल्दी रहने के लिए जरूरी. आपने सुना होगा कोई दो दिन से सोया नहीं तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, थका थका महसूस होता है. तो नींद की इंपॉर्टेंस जो है कतई बहुत है. बच्चे ना सोए एग्जाम टाइम पर तो उनका परफॉर्मेंस कम हो जाता है. आपकी अगर क्वालिटी स्लीप भी ना हो, ये छोड़ दो कि चलो नींद ही नहीं आई, अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब है तो भी आप जो है टायर्ड फील करने लगेंगे, बीमार फील करने लगेंगे. आपके फिजिकल, मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी और डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट कर देगी आपकी नींद. सो नींद इतनी जरूरी है. अब नींद की प्रॉब्लम किस किस कैटेगराइज, किस किस तरीके से हो सकती है, उसको बोलते क्या है. स्लीप डिसऑर्डर मतलब नॉर्मल स्लीप का जो पैटर्न है वो नहीं हो रहा है. स्लीप डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज, इट इज एन अ प्रॉब्लम विच इज आउट ऑफ ऑर्डर. ओके, इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज डिसऑर्डर. व्हाट इज दैट डिसऑर्डर का मतलब है कि आपका स्लीप डिसऑर्डर का मतलब है यू आर आइदर, एक उसका एक टाइप्स बता रहे हैं. नंबर वन, इट इज कॉल्ड इनसोम्निया. इनसोम्निया नाम तो सुना होगा. Insomnia मतलब you are not able to fall asleep or stay asleep. Insomnia मतलब या तो नींद आई नहीं रही है और रह नहीं पा रहे. ठीक है, आप सोने की कोशिश करते हो, हल्का फिर जग जाते हो, ये क्या हो रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही. So your, this is the most common type of sleep disorder called insomnia, which is inability to fall and stay asleep. Right? So this is insomnia. We'll be coming to the causes, we'll be coming to other things, right? To the treatment also. Pehle types pakad lete hain. Second is very common sleep apnea. Sleep apnea matlab, maine pehle aapko videos mein bataya tha, jo mote hote hain, jinki gardan bhari hoti hai, kai baar gardan jo hai, jo gala jo hai, jawan jo hai, piche ki taraf dhakka maarti hai, gale ka bhaar jyada hota hai, gardan ke piche, so saans ki nali dab sakti hai, that can cause stopping of your breathing for more than 10 seconds and that will cause disturbance in your sleep. Aap kabhi deep sleep mein jaoge hi nahi. So that's why that those people are, wo kharate bhi lete hain, din bhar soye soye rehte hain, pata nahi kahin bhi kabhi bhi so jate hain. So sleep apnea is very common in fat people. थर्ड कॉमन रीजन है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS. Also, I've made a video on that very recently. And उससे भी, उसमें भी टिंगलिंग और प्रिकिंग सेंसेशन, अजीबोगरीब सेंसेशन मेरे पैर को, हो क्या गया है, पगले हो गए पैर, कुछ ना कुछ सेंसेशन होता रहता है. तो यू गेट वरीड अबाउट योर लेग एंड सिम्टम्स एंड सेंसेशन आर ऑल इन योर लेग एंड यू आर नॉट, दैट इज देर इज अ पावरफुल अर्ज टू मूव योर लेग वाइल यू आर स्लीपिंग एंड दैट breaks your sleep. आपकी नींद खुला देता है आपका फायर, ये हो गया है आपका RLS. उसके बाद जो कारण है वो है hypersomnia. Now, yes. Now, when we say sleep disorder, it's not necessarily कि sleep कम आ रही है, ज्यादा आनी भी. Hypersomnia means you are unable to stay awake. पूरा दिन सोते रहना, इसके टाइप्स है. Hypersomnia मतलब ज्यादा सोना.
उसमें नार्कोलेप्सी मतलब एक्सट्रीम स्लीपी है, पूरा दिन सोते रहना उसको कहते हैं नार्कोलेप्सी, एक्सट्रीम डे टाइम स्लीपीनेस, कतई उठ ही नहीं रहा, इसको तो नशा चढ़ा हुआ है ऐसा वो है एक्सट्रीम स्लीपीनेस से। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, दिस इज आल्सो ग्रोइंग नंबर वन कॉज बिकॉज ऑफ योर रोटेटिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट, कंफ्यूज हो जाता है शरीर कि सोना कब है, जागना कब है, क्या है, है? कभी रात को चाय पिला पिला, कॉफी पिला पिला जगाते हो, कभी दिन भर दिन को बोलते सोजा सोजा सोजा, सोने दे, आवाज में सो कैसे, मैं सोजो लाइट में कैसे सोजा, हो क्या रहा है यार ये, ऐसा कंफ्यूजन आप अपने शरीर को कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्लीप वेक साइकिल सर्केडियन रिदम प्रॉब्लम, व्हिच मेक्स, इससे क्या होगा, इट मेक्स यू अनेबल टू स्लीप और वेक अप एट द राइट टाइम, और एल्स थोड़े दिनों में अगर आप सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठे, तो आपकी बॉडी का स्लीप साइकिल सेट हो जाता है, मायने कि आपका शरीर यूज्ड टू हो जाता है कि हाँ इसी टाइम पे सोएंगे, इसी टाइम पे जागेंगे और भैया हम अच्छे बच्चे बन के जिएंगे, अच्छी बात है, पर हम कहाँ अच्छे बच्चे रह सकते हैं, हम तो या तो बेचारे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, मेहनत मुशक्कत वाले हैं, या तो पढ़ाई कर रहे हैं, रात को ही पढ़ाई होती है, या तो फिर रात को ही गेम खेले जाते हैं, रात को पबजी जाया जाता है, या रात को पब जाया जाता है, या तो रात को जय माता दी, बहुत कुछ हो सकता है। सो एनीवेज, पैरासोमनिया एक और बीमारी है जो एक और टाइप है नींद के डिसऑर्डर का। व्हाट इज पैरासोमनिया, मतलब यू एक्ट कि नींद में आप कुछ भलते काम कर रहे हो, आप नींद में कुछ भी कर रहे हो, नींद में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सो यू आर डूइंग समथिंग अनयूजुअल, इम्प्रॉपर, व्हिच यू शुड नॉट बी डूइंग ड्यूरिंग स्लीप, समथिंग लाइक स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, स्लीप ईटिंग, जी नींद में बातें करना, नींद में खाना, नींद में सोना, नींद में बोलना, सॉरी नींद में सोना तो सोना ही है, सो नींद में सबसे कॉमन है बातें करना, नींद में बातें करना इज वेरी कॉमन, तो पैरासोमनिया का कुछ एस्पेक्ट बहुत लोगों में बीच बीच में आ जाता है, कईयों में ज्यादा आता है, खासकर जो लोग दिन भर टायर्ड रहते हैं, बहुत वीक फील करते हैं, और जो उन लोगों को हो सकता है कोई ना कोई इस तरीके का स्लीप डिसऑर्डर हो, और इट इज इम्पोर्टेंट कि वो अपनी स्लीप पे कॉन्सेंट्रेट करे, कई बार सिर्फ अपना ध्यान नहीं होने की वजह से ये सब होता है, और आप ध्यान देने लग जाएं कि हाँ भाई नींद जरूरी है, नींद सही से लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी नींद सही से होने भी लग जाएगी, सो देयर ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेयर देयर इज अ विल वेयर देयर इज अ वे, एंड वेयर यू लुक यू शैल सी, व्हाट यू इफ यू सीक यू शैल फाइंड, दैट इज हाउ इट इज, सो प्लीज डू दैट। एंड अब इसका ये बात कि भाई सर मैं कितने घंटे सोऊं, मैं कितने घंटे सोऊं, बहुत सारे सवाल आते, और उसमें क्या आता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर है, उसमें आपकी उम्र, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल, आपके रिसेंटली अभी आपकी सर्कैडियन रिदम का क्या हाल है वो देखता है, लेकिन कतई आपको 7 to 8 hours की नींद, 7 to 9 hours बोलते हेल्दी होती है, 6 hours इज समथिंग विच इज बेरली मिनिमम, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट द हेल्दी वे, इट्स नॉट द बेस्ट वे, राइट, इट्स नॉट वेजिटेबल, इट्स नॉट फ्रूट, इट्स लाइक चलो कुछ खा लिया, समथिंग लाइक दैट, खा तो लिया, सब नींद सो तो लिया, ऐसा है तो कुछ तो खाया, तो दैट इज हाउ स्लीप इज, 6 hours स्लीप इज, सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन 6 hours स्लीप। अब बात आती है कि नींद में प्रॉब्लम क्यों आ रही, भाई हमने क्या पाप करे, तुमने क्या पाप करे, तो नींद की प्रॉब्लम के कई सारे कारण हैं, और उसके अलावा सिम्टम्स पे पहले बात कर लेते हैं, सिम्टम क्या है, सिम्टम क्या है, पहली तो चीज है, अगर आप नॉर्मली आपको आधे से एक घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, अगर आधे एक घंटे से ज्यादा टाइम लगता है सोने में, 2 घंटे से लेटे हैं, यानी कि फोन पे बैठे हैं, फोन पे बैठे बैठे कोई को फोन रख दिया, सब रख दिया, आराम से लेटे हैं, फिर भी करवटें बदलते रहे, वो सा वो वाला, तो वो अगर आपको सारी रात नहीं, आधा घंटा एक घंटा, तो देन देयर कैन बी अ सिम्टम, इट्स नॉट एन इंडिकेशन, इट्स नॉट एक्यूरेटली डायग्नोस्टिंग क्राइटेरिया, बट इट्स जस्ट अ सिम्टम, ओके, सो इट इज अ साइन यू कैन से कि आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। फिर अगर रेगुलरली आप वेकअप हो रहे हैं सेवरल टाइम्स इन द नाइट, बार बार उठ के उठना पड़ रहा है, बार बार कहीं भी कुछ भी है, बहुत जल्दी उठ जा रहे हैं, दैट्स आल्सो साइन।
अगर आपको दिन भर नींद आती जा रही है, फ्रीक्वेंट नैप्स ले रहे हैं, या रात को बहुत खूंखार खर्राटे लेते हैं, या दिन भर कभी भी कहीं भी सो जाते हैं, दीज आर ऑल्सो साइंस। अगर आपका पार्टनर कह रहा है भाई कतई तुम बहुत तंग करते हो रात में, दैट्स अ साइन। अगर आपको कोई भी आपके पैर में अजीब सेंसेशन होता है, क्रीपिंग क्रॉलिंग, कुछ चढ़ रहा है, कुछ काट रहा है, पैर हिलाना है, सो दैट माइट बी आरएलएस। अगर आप जर्किंग करते हो रात में, एक एक पैर एक एक हाथ ऐसा ऐसा मारते हो, ऐसा मुक्का मारते हो, किसी को लात मारते हो किसी को रात में, वो राइट क्या ये रोज रात मारते हो, यू माइट बी हैविंग आरएलएस। सो ऐसे ही सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, या आपको उल्टे सीधे सपने आने, या फिर आपके कुछ सडन, अगर किसी आपको रात में जाग जा रहे हो, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। डायग्नोसिस के लिए आपके टेस्ट होंगे, उसमें आपके स्लीप स्टडी होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन ये होता है, स्लीप स्टडी मतलब आपका पूरी रात आपको सुला के आपके ब्रेन वेव्स की चेंजेस, आपके आई मूवमेंट की चेंजेस, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इनसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ों को स्टडी करके देखा जाता है कि आप कौन से स्टेज ऑफ स्लीप में जा रहे हैं, सही से जा रहे नहीं जा रहे, उस बीच आपके साथ क्या हो रहा है, दैट कैन बी स्टडीड। सो दैट इज कॉल्ड अ स्लीप स्टडी, सो वो कराना चाहिए। सो ये हुई सारी बातचीत स्लीप स्टडी की और बाकी चीज़ों की। आई होप यू विल बेनिफिट बाय दिस, एंड प्लीज शेयर दिस इन्फॉर्मेशन एवरी सिंगल पर्सन यू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू दैट फॉर मी, प्लीज शेयर, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।